सो ये है ताजमहल, चलिए चलते हैं ऊपर। फर्स्ट व्यू ऑफ ताजमहल। सो यहाँ से ताजमहल का व्यू मेरे पीछे ले जाएगा।
ही साफ पानी है, काफी साफ पानी लग रहा है यहाँ का। तो ये है ताजमहल, ये उस साइड बनी हुई है मस्जिद, उस तरफ है रास्ता, गेस्ट हाउस बोल सकते हैं उसको। ये है ताजमहल, पूरा मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा, ये इतना बड़ा है। वो मस्जिद है, ये गार्डन बने हुए हैं, ये पीछे का व्यू, वहाँ से एंट्री है। ये है ताज, वाह ताज। तो ये है ताजमहल, चलिए चलते हैं ऊपर इसके। यहाँ तक आने के आपको 50 रुपये टिकट मिलेगा और ऊपर जाने का 200 रुपये टिकट है। ये है लेफ्ट साइड मस्जिद वाला रास्ता। ये है मस्जिद, यहाँ तकरीबन एक बार में 300 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो ये यहाँ पे है मस्जिद, चलिए इसके अंदर चलते हैं। और मेरे पीछे है ताजमहल, जो आपको धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, फोकस अब आया इसमें, फोकस देखिए, पीछे ताजमहल है और ये है मस्जिद। चलिए अंदर चल के देखते हैं मस्जिद में। तो ये ताजमहल है, ताजमहल के पीछे यमुना नदी। ये है यमुना, काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है। ये रही मस्जिद, अभी हम लोग इसी के पास आए हुए हैं। ये हमारा वाह ताज, ताजमहल के ऊपर जाने का 200 रुपये टिकट है। वहाँ पे आपको कबर होगी, वो भी लोकल कबर बनी हुई है, नीचे जो ओरिजिनल कबर है वो उसके नीचे है, ऊपर जाने का 200 रुपये टिकट है। अभी हम लोग गए हैं मस्जिद की तरफ, अब चलते हैं वहाँ पे जो गेस्ट हाउस राइट साइड पे है, वहाँ पे गेस्ट हाउस, वो चल के देखते हैं। ये रास्ता था, ये बंद कर दिया गया है, सुरंग है ये। सो ये है ताजमहल का पीछे का, ये यमुना रिवर, यमुना नदी। ये पीछे का ताजमहल का बैक साइड, जहाँ से देखूँ वहाँ से ताजमहल एक जैसा लगता है।
ये बना हुआ है गेस्ट हाउस। जो भी पहले राजा महाराजा आते थे उनको यहाँ पर रोका जाता था, यहाँ से सीधा ताजमहल। और उधर मस्जिद जो बनी हुई थी जहाँ आपको ले गए थे वहाँ नमाज पढ़ते थे। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक दूसरा ताजमहल बनवा दिया जाए, पर समझ में नहीं आ रहा किस की याद बनवाया जाए। यहाँ पे बंदरों के मजे हैं। यहाँ से व्यू है ताजमहल का, ये वही जगह है जहाँ पे सेलिब्रिटी लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो ये है ताजमहल का सेल्फी पॉइंट, यहीं पे सभी लोग बैठ कर फ़ोटो क्लिक कराते हैं ताजमहल के सामने। आज हम फ़ोटो क्लिक करवाएंगे यहाँ पे। सो अब हम लोग आए हैं यहाँ के रेड फोर्ट में, इसको आगरा फोर्ट भी कहा जाता है।